الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ معصوم معصوم اور ننے ننے طلبہ و طالبات बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम पेश कर रहे थे। दिल तो ये चाह रहा था कि इन्हीं को सुनते रहे और इन्हीं पर मजलिस का इख्तिताम हो जाए। एक मुख्तसर वक्त में इतनी अच्छी तैयारी कोई बाकमाल और माहिर उस्ताद ही करा सकता है। अल्लाह ताला उस्ताद और तलबा दोनों की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त 2022 ईस्वी है, ये मशहूर और मारूफ जुमला है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज हमारे मुल्क को आज़ाद होने के लिए मुकम्मल 75 साल हो चुके हैं। इसलिए पूरे मुल्क में अमृत महोत्सव के नाम से जश्न मनाया गया और बड़े पैमाने पर मदारिस व मकातिब में और स्कूल कॉलेजों में और दीगर सरकारी दफ्तरों पर बल्कि हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए से मुल्क के हर बाशिंदे ने इस बात का सबूत पेश किया कि हमें अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है। मोहब्बतों को बयान करने के लिए सिर्फ दिखलावे की जरूरत नहीं होती है, मोहब्बत दिल से होती है, मोहब्बत दिलो जान से की जाती है। ये तो एक इजहार हो गया, लेकिन ये भी बात है कि जाहिर को देखकर इंसान के बातिन को पहचाना जा सकता है। तो माशाअल्लाह सिर्फ हमारे शहर सिंगोड़ ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया और बहुत अच्छे अंदाज से आज सुबह से यही 15 अगस्त की मसरूफियत थी। बहुत सालों से हम 15 अगस्त मनाते आए हैं, उसमें शिरकत की, लेकिन इस मौके से जो कैफियत थी स्कूल के तलबा से लेकर टीचरों तक और एक देहाती से लेकर एक शहर के रहने वाले तक तमाम ही लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। अब ये दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमारे वालिदों को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे, क्योंकि जिस जगह पर और जिन हालात को लेकर बातें सामने आ रही हैं वह हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि हमारे मुल्क को जिन कुर्बानियों के साथ जिस जिद्दोजहद व
और जिस कोशिश के साथ आजाद किया गया, तो ये आजादी का हमसे सबूत मांगते हैं, आजादी का हमसे सबूत मांगते हैं। ये जो पोस्टर आपके सामने लगे हुए हैं, तो सर सैयद अहमद खान साहब, मौलाना गुलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह और दिगर अकाबरी हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये सिर्फ एक नाम नहीं एक तारीख है, ये सिर्फ नाम नहीं एक तारीख अपने पीछे छुपाए। अगर एक एक आदमी की आप इसमें से सीरत उठाएंगे, सवाल उठाकर देखेंगे, तो अंदाजा होगा कि ये वो शख्सियात थी जो हमारे मुल्क के लिए और हम नौजवानों के लिए एक नमूना और एक मिसाल है। इन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए दी है कि मेरे भाइयों, इनकी कुर्बानियाँ अगर सोने के पानी से भी लिखी जाए तो मेरे ख्याल से उनका हक अदा नहीं हो सकता। ये कुर्बानियाँ हमारे अकाबरीन ने दी है। गुज़िश्ता कल किसी साहब ने एक मैसेज भेजा, वो बड़ा प्यारा मैसेज था, स्टेटस पर लगाने के काबिल था। ये था कि आइंदा कुल तुम जश्न आज़ादी मनाने वाले हो, लेकिन इस जश्न आज़ादी में जिन लोगों ने अपना खून बहाया है, अपना लहू बहाया है, ज़रा उनको भी याद करो। और उसके साथ तस्वीर लगी हुई थी हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। तो ये हमारे अकाबरीन की तारीख है जिन्होंने अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए वाकई ऐसी कुर्बानियाँ पेश की हैं जिसे सुनकर और जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि भी ऐसा भी हुआ होगा या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। आप तारीख उठाकर देखिए, आप हमारे अकाबरीन की सवालें पढ़िए, इससे ये बात बखूबी पता चलती है कि मुल्क से उनको क्या मोहब्बत थी, मुल्क से क्या लगाव था, मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने क्या कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी। लेकिन साथ साथ में मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ डेवलपमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुल्क तरक्की करेगा तालीम भी मेयार से। हमारे मुल्क का तालीमी मेयार जितना बुलंद होगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर मैं कुरान करीम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ, तो ये बात पूरे रसूख और गहराई के साथ कह सकता हूँ। कुरान करीम की एक सूरत है जिसको अल-क़ारिया तो अल-क़ारिया वमा अदराक मल-क़ारिया। मेरे भाइयों, इसमें हलाकियाँ बयान की गई, किसकी? क़यामत की हलाकियाँ। अब एक सवाल ये है कि आदमी क़यामत की हलाकियों से कैसे डरेगा? तो बाद लोगों ने यह बात पेश की कि दुनिया में जो गुनाह हो रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जो एक दूसरे को सताने की कोशिश की जा रही है, तो वह इस वजह से हो रहा है कि लोग जाहिल हैं, इनके पास इल्म नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आए दिन ऐसे वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गुनाह कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी किसी का कत्ल कर दे रहा, किसी को मार दे रहा, अच्छा पढ़ा लिखा था दीनदार, तो ये बात पता चली कि सिर्फ इल्म ही से आदमी गुनाह से नहीं रुक सकता। तो क्या वो चीज़ है? तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि गुरबत, गरीबी की वजह से लोग गुनाह कर रहे हैं। काई की वजह से? गरीबी की वजह से। लेकिन देखा गया कि कई मालदार लोग सब कुछ होने के बावजूद गुनाह में मुबतला है, तो ये बात का भी रद्द किया गया। लेकिन मुफस्सरीन ये कहते हैं कि दुनिया में जो गुनाह फसादात हो रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह का डर हमारे मन से। अगर अल्लाह का डर दिल में आ जाए तो वह आदमी गरीब हो या मालदार, आलिम हो या जाहिल, अगर अल्लाह का डर उसके दिल में है तो फिर वो बराबर गुनाह से बचेगा। तो हम सबको ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने दिलों में खशियत पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। और हम इसीलिए पैदा किए गए, कुरान की जो आयत करीमा मैंने खुतबे के अंदर आपके सामने पेश किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो मेरे भाइयों, इबादत मुकद्दम है। हम इसलिए, हमें बचपन ही से मकतबों में सिखाया जाता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, सबसे बड़ी इबादत।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मकतब से बच्चों को सिखाया जाता है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। दूसरी बात ये है कि नमाजों का अहतमाम करना सबको करना है। बच्चे 7 साल की उम्र के हो जाए तो ये तालीम है नबी अलैहिस्सलाम की कि उनको नमाज खत्म करो। 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर उनको जो है तो तादीब करो, हल्की सी मार मारो ताकि वो नमाज के पाबंद हो जाए। बालिग होने के बाद वो नमाज की छुट्टी नहीं है किसी को, इसलिए नमाज का अहतमाम करें। देखिए मैंने हदीस शरीफ आपके सामने पेश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वह है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि तुम में सबसे बेहतर वह है जो डॉक्टर बने और बनाए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि टीचर बने और बनाए। देखिए हम मुखालफत नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंजीनियर बनाइए, जो कुछ आप बना सकते हैं उसको दुनिया में लाइन का बनाइए, लेकिन ये जहन में रखें फजीलत कुरान पढ़ने पढ़ाने में, फजीलत कुरान पढ़ने पढ़ाने में। ये जुमला इसलिए कहना पड़ता कि आज हमारी सारी तवज्जो एजुकेशन और असल तालीम की तरफ हो गई है। हम अपने बच्चों को स्कूल की तालीम की वजह से मकतब की तालीम से रोक लेते हैं, क्योंकि हम भी मकतब पढ़ाते हैं। कई केसेस ऐसे आते हैं सामने कि मौलाना बच्चे का स्कूल में वक्त की टाइमिंग का जब नहीं रहा, तो उसका स्कूल तो दोपहर से है, दोपहर में तो वो ट्यूशन है, ट्यूशन का भी मसला है, बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, उसका 10वीं का साल है और ऐसा है यूँ है, तो फिर कुरान कब पढ़ाएंगे? आपको तो ये करना चाहिए था कि भाई अभी उसके मकतब का टाइम है, अब जिस टीचर के पास उसको भेज रहे आपके जमकर के मगरब बाद पढ़ाओ उसको ईशा बाद, तो तरजीह तो इधर देनी चाहिए ना, लेकिन उधर तरजीह दी जा रही है। अब चूंकि हमारे यहाँ शिफ्ट वाइज तालीम होती है, अब दोपहर में कुरान के बच्चे हैं और वो बच्चा कायदा पढ़ता हो तो उसको कैसे पढ़ाए, तो वो मकतब से अलाहदगी अख्तियार कर लेते लेकिन उसको मकतब नहीं भेजते। तो ये हमारे हालात दिन ब दिन बनते जा रहे हैं, इसलिए तालीम पर फोकस देना वक्त का हम तकाजा है। इसलिए किसी शायर ने कहा ना, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, मैदान में लड़ना हो तो ईमान संभालो, और बुजदिल हो तो निकल जाओ लश्कर से हमारे, बुजदिल हो तो निकल जाओ लश्कर से हमारे, और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। पहले इल्म के जरिए से हमें अपने आप को पुख्ता मजबूत करना होगा, इसलिए ये बच्चे आज के छोटे हैं लेकिन कल का हमारा मुस्तकबिल है। आज हमें लग रहा है कि ये क्या नहीं, लेकिन अभी से बच्चों की जैसी जहनीत बनी, अभी से जैसे उन पर मेहनत होगी तो फ्यूचर में हमारे काम आएंगे, वरना ऐसी कारगुजारियाँ सामने हैं कि सगे बेटे और सगी बेटियाँ अपने माँ बापों को घरों से निकाल कर जो तो दरवाजे और नालियों के सामने डाल रही है। यहाँ तक के जुमले सुनने को मिल रहे हैं कि सगे बेटे अपने माँ के मुतालिक ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते ये कौन है, क्यों क्यों तरबियत नहीं की, इल्म नहीं दिया, इल्म नहीं सिखाया, तालीम की अहमियत से वाकिफ नहीं कराया। इसलिए मेरे भाइयों आपके यहाँ जो मकतब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु चल रहा है, आप इसको मजबूत करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पाबंदी से मकतब में भेजने का अहतमाम करें। मुल्क की आज़ादी हमें ये मैसेज देती है कि जैसे हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अगर हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में हमारा गुजारा इस मुल्क में अमन चैन सुकून के साथ हो, तो हमें भी अपने बच्चों को हमारे अकाबरीन की तरह आगे बढ़ाना होगा, हमारे अकाबरीन की तरह उनकी तालीम और तरबियत करनी होगी। और ये याद रखें जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया वो आसमान से नहीं आए थे आसमान से नहीं, बल्कि वो भी उन्हीं माओं की कोख से दुनिया में आए हैं जिन माओं की कोख से मैं और आप दुनिया में आए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी उनके फरिश्ते नहीं थे बल्कि हमारी तरह के इंसान थे, लेकिन उन्हीं और हमारे अंदर फर्क ये था कि वो हर चीज़ की अहमियत को समझकर उस पर अमल करते थे, हम सब कुछ जानने के बावजूद भी गफलतों में रहते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों आज के इस जलसे में जंग आज़ादी और जश्न आज़ादी के मौके से मैं इसी बात का मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल हमारी
मुस्तकबिल में हमारी तरक्की हो और मुस्तकबिल हमारा रोशन और ताबेदार हो तो हमें अपने आप को झिझोड़ना होगा, गफलतों से निकलकर अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ आना होगा। तब इस बात का आज़म करें कि इंशाअल्लाह हम अपने मन को जितनी भी हमारी कोशिशों की जरूरत पड़ेगी सारी की सारी देंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को इसके अतबार से तैयार कराए, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाइए, उनको इंग्लिश मराठी अपनी मादरी जुबान सारी चीज़ें उनको सिखलाइए, लेकिन पहले दीन के अतबार से उनकी फिक्र कीजिए, दीन उनको पहले दीनदार बनाइए, साथ साथ दुनियादार भी बनाइए। दुनियादार बनाने का मतलब ये है कि कम से कम उनके पास इतना हुनर हो, उनके पास इतना एजुकेशन हो कि वह अपना हुनर और एजुकेशन के जरिए किसी के मोहताज न रहे सिवाय अल्लाह, इतना उन्हें सिखाया जाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मेहनत करने वाले तमाम नौजवानों और बस्ती के साथियों को खूब खूब जजाय खैर अता फरमाए कि जो इतना मुनज़्ज़म अंदाज़ है इस काम को कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके जान माल इज्जत आबरू में खूब बरकत अता फरमाए और इस मकतब की हर चार सू से हिफाजत फरमाए, फितनों से हिफाजत फरमाए, शरारतों से हिफाजत फरमाए और इखलास और इस्तेमालत के साथ इन्हें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।